गाइस, आई एम अंजलि कुमार पाठक और आप सभी का वेलकम करते हैं जी टेक टेक्निकल गुरुजी में। आज हम लोग जो है साइकोलॉजी से रिलेटेड, चूँकि सी टेट और यू पी टेट से रिलेटेड बहुत सारे उसमें मनोविज्ञान से रिलेटेड सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, तो हम लोग आज जो है साइकोलॉजी के रिलेशन में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो साइकोलॉजी जो शब्द है ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। एक तो होगा आपका साइको, एक होता है लॉगस, और ये दोनों जो है लैटिन वर्ड है। जो साइको का मतलब होता है, इसका मतलब होता है सोल, और इसका मतलब होता है स्टडी। साइकोलॉजी को लोग मनोविज्ञान बोलते हैं, मनोविज्ञान, लेकिन जनरली हम लोग क्या बोलते हैं इसके वर्ड का यदि आप लोग डिडक्शन करें तो उससे मिलकर पता चलता है कि ये आत्मा का विज्ञान है। तो मन का विज्ञान इसको बोला जाता है, लेकिन अध्ययन हम लोग इसके संदर्भ में आत्मा के विषय में ही करते हैं। ये यूनान में सबसे पहले इस शब्द की उत्पत्ति हुई थी, और मनोविज्ञान जो है पहले जो है दर्शन शास्त्र का विषय था। दर्शन शास्त्र 17वीं शताब्दी से पहले, 16वीं शताब्दी से पहले इसको दर्शन शास्त्र में कंबाइंड करके पढ़ाया जाता था, लेकिन 1590 में एक रुडोल्फ गायत्री एक दर्शन शास्त्री थे, इन्होंने कहा कि नहीं, ये जो मनोविज्ञान है ये दर्शन शास्त्र का नहीं, ये अलग से कोई सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले साइकोलॉजी की उत्पत्ति जो है इन्हीं रुडोल्फ गायत्री के हिसाब से मानी जाती है। इसके बाद जो मनोविज्ञान का व्यापक विस्तार हुआ वो 1890 में जब विलियम जेम्स की एक बहुत बहुत चर्चित पुस्तक है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, और इन्हें ही मनोविज्ञान की आधारशिला यानी कि नींव रखने वाले वैज्ञानिक के रूप में, मनोवैज्ञानिक के रूप में माना गया। इसके आगे चलते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं तो इसी संदर्भ में 1879 में जर्मन में एक लिपजिंग सिटी है, यहाँ पे सबसे पहले मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला सबसे पहली प्रयोगशाला बनाई गई, और उस प्रयोगशाला को बनाने वाले थे विलियम बुंट। तो विलियम बुंट के बारे में बोला जाता है कि ये मनोविज्ञान की प्रयोगशाला मनोविज्ञान के सबसे पहले जन्मदाता भी कहे जाते हैं। तो साइकोलॉजी में ये सारी चीजें अभी तक थी। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि साइकोलॉजी का विकास कहाँ से कहाँ तक हुआ, यानी कि साइकोलॉजी के विकास में विकास क्रम उसका कैसा रहा, कौन कौन सी विचारधाराएं एक के बाद एक आती गई। तो सबसे पहले साइकोलॉजी का जो विकास क्रम है, तो इसका विकास क्रम जो है चार पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग। जो पहला पार्ट है वो 16वीं शताब्दी में इसकी विचारधारा को कैसा माना जाता था, फिर 17वीं शताब्दी में इस विचारधारा को क्या माना जाता था, फिर 18वीं और 19वीं शताब्दी में इसको क्या माना जाता, और फाइनली 20 या इससे प्राचीन। 16वीं शताब्दी में सबसे पहले एक वर्ड हम लोग लिख लेते हैं, आम चाव। इसी से जो है ये चारों विचारधाराएं निकल के आती हैं। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माना जाता था कि यह एक आत्मा का विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान। तो आत्मा के विज्ञान के बारे में बोला जाता था कि जो मनोविज्ञान है वो अध्ययन करता है आत्मा के बारे में। तो आत्मा के बारे में अध्ययन करता है तो इसके समर्थक कौन कौन से थे, सर अरस्तु थे, फिर प्लूटो और डेकार्टे, ये वैज्ञानिक इस विचारधारा के समर्थक थे। लेकिन ये विचारधारा से 16वीं शताब्दी तक ही चली, क्योंकि उसके बाद कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे आए, उन्होंने कहा कि नहीं, आत्मा तो परमात्मा का अंश होता है, और परमात्मा के अंश को यानी कि परमात्मा जो है मनुष्य की सोच से परे होता है, इसलिए हम इसका अध्ययन नहीं कर सकते हैं। और उसके साथ ही उसी के बीच में आ गए थे परामनोविज्ञान क्या होता है, जादू टोना से रिलेटेड जो अध्ययन किया जाता है वो परामनोविज्ञान का विषय होता है। तो परामनोविज्ञान वाले ने भी
कहा कि आत्मा जो होता है वो एक जगह स्टेबलाइज नहीं रह सकता, एक जगह रुकी नहीं रहती है, और जो कोई चीज एक जगह स्थिर नहीं रहती तो उसका हम अध्ययन कैसे कर सकते हैं। तो परामनोविज्ञान और कुछ और विचारधारा जिन्होंने मानी कि ये परमात्मा का अंश है, तो इस विचारधारा ने कहा कि नहीं, मनोविज्ञान जो है वो आत्मा का विज्ञान नहीं है। तो 16वीं शताब्दी के अंत में ये जो कॉन्सेप्ट था कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, ये खत्म हो गया। तो 17वीं शताब्दी में प्रारंभ में यह माना गया कि नहीं, मनोविज्ञान मन और मस्तिष्क का विज्ञान है, मस्तिष्क का विज्ञान है, मन और मस्तिष्क का विज्ञान है। इस विचारधारा को मानने वाले जो थे वो जॉन लॉक टेम्पोलॉजी और बर्कली भी इस विचारधारा को मानने वाले थे। तो एक इस विचारधारा में माना गया कि जो मनोविज्ञान है वो मन और मस्तिष्क का विज्ञान है, लेकिन 17वीं शताब्दी का जैसे ही उत्तरार्ध आया तो उसमें यह माना गया कि मन और मस्तिष्क दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट मानता था कि मन और मस्तिष्क एक ही चीजें होती हैं। तो कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा नहीं सर, मन एक अलग चीज है और मस्तिष्क कोई अलग चीज है। तो वहां पे इन दो शब्दों का जो है कंट्राडिक्शन हुआ, और वहां पे इस विचारधारा ने मन का स्वरूप नहीं बताया, और इस विचारधारा ने ये भी नहीं बताया कि मन का प्रकार कौन कौन सा होता है। तो कुछ स्वरूप आकार और उसमें विभेद, ये सब चीज़ें एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाए। तो 17वीं शताब्दी तक ये विचारधारा चली, उसके बाद 18वीं शताब्दी में इस विचारधारा का भी अंत हो गया। फिर 18वीं शताब्दी में एक नई विचारधारा ने जन्म लिया, उन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान है वो मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। लेकिन चेतना के विज्ञान है तो इसका समर्थन किसने किया सर? इसका समर्थन किया विलियम बुंट ने इसका समर्थन किया, विलियम जेम्स इसके समर्थक थे, जेम्स रीड इसके समर्थक, सिली इसके समर्थक थे, और वाइज इस विचारधारा के समर्थक ये सभी थे, जिन्होंने माना कि जो मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान है। लेकिन एक हम लोगों के साइंटिस्ट थे जिनको हम लोग बोलते हैं मैकडूअल, वो इस शब्द से बड़ा चढ़े हैं। उन्होंने कहा नहीं यार, चेतना शब्द जो है मनोविज्ञान के लिए बहुत ऑड शब्द है, ये मनोविज्ञान में नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि चेतना जो है बहुत ही मनोविज्ञान से परे है, ठीक है। उसी के साथ एक आए सिगमंड फ्रायड ने भी कहा कि नहीं, मनोविज्ञान चेतना नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्लासिफाइड किया चेतना को ही तीन भाग में, एक होता है चेतन मन, एक होता है अर्धचेतन मन, एक होता है अचेतन मन। चेतन मन का मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड, यदि कोई चीज दिख गई तो उसके बारे में हमें पता है तो हम उसका पूरा एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, जो चीजें क्लियरिफाई करके बताई जाए। अर्धचेतन मन का मतलब होता है कि जैसे कोई चीज, कोई आदमी कभी कभी हम लोगों के सामने आ जाता है तो हमें लगता है कि यार इसको हमने देखा है, इसको हम जानते हैं, लेकिन उसका नाम याद नहीं आता है, यानी कि आप जानते भी हो और जानकर भी नहीं जानते हो, तो वो स्थिति होती है अर्धचेतन मन की। और चेतन का मन का मतलब होता है किसी चीज को पहले किया था भूल गए पूरी तरह से, तो वो आपका अचेतन मन के अंतर्गत आता है। तो सिगमंड फ्रायड ने कहा कि जो चेतन मन होता है वो पूरे मस्तिष्क का 1/10 पार्ट होता है, ये अर्धचेतन भी इतना होता है, 8/10 पार्ट होता है। तो उसमें कुछ कंट्राडिक्शन आया कि चेतन मन का अध्ययन तो हम प्रेजेंस ऑफ माइंड से कर सकते हैं, लेकिन इन दो पार्ट का हम अध्ययन कैसे कर सकते हैं? लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि मन का अध्ययन या चेतना का अध्ययन मतलब पूरा हमें अध्ययन करना पड़ेगा, लेकिन हम इनके हिसाब से इन्होंने कहा कि सिर्फ 1/10 पार्ट जो उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसी को हम लोग क्लियरिफाई कर सकते हैं, और जो चीज़ वो आदमी बता नहीं सकता, वो कर नहीं सकता है, तो उसके बारे में हम क्लियरिफाई कैसे करेंगे? तो ये विचारधारा भी 18वीं शताब्दी के अंत में समाप्त हो गई, और 20वीं शताब्दी में नई विचारधारा का जन्म हुआ जिसमें बोला जाता है कि मनोविज्ञान
व्यवहार का विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है। अब जो जो साइंटिस्ट बच गए वो सब व्यवहारवादी हो गए। कौन कौन? स्किनर, वाटसन, वुडवर्थ, थंडराइक, रॉस, ये सब जो होते हैं व्यवहारवादी साइंटिस्ट थे। तो व्यवहारवादी साइंटिस्टों ने क्या कहा कि व्यवहार का विज्ञान है मनोविज्ञान। एक्चुअली तो हम लोग बात कर रहे थे व्यवहारवाद के बारे में, ठीक है, इतना स्टार्ट भी काट दे। तो हम लोग बात कर रहे थे व्यवहारवाद के बारे में, तो इसके जो जनक हैं वो कौन कौन से हैं? स्किनर, वाटसन, वुडवर्थ। व्यवहारवाद का मतलब होता है कि इसमें मनुष्य जब वातावरण के संपर्क में आता है तो जो आचार व्यवहार करता है उसके बारे में अध्ययन हम लोग व्यवहारवाद में। तो आज का जो मॉडर्न मनोविज्ञान है 20वीं सदी का, वो जो है हम लोगों का व्यवहारवाद मनोविज्ञान में, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं कि कुछ कोटेशनें जो है मनोविज्ञान के बारे में जो है दी गई हैं। जैसे कि सबसे पहला कोटेशन जो होता है हम लोग मॉर्गन ने दी है। तो मॉर्गन ने कहा कि जो मनोविज्ञान होता है वो सिर्फ और सिर्फ मानव मस्तिष्क का अध्ययन नहीं करता है अपितु वह पशु मस्तिष्क का भी अध्ययन करता है। तो इसमें कहा गया कि मनोविज्ञान मानव एवं पशु दोनों का अध्ययन करता है। इसके बाद जो है सर वाटसन आए, वाटसन उन्होंने भी मनोविज्ञान के बारे में अपनी विचारधारा रखी। तो वाटसन ने कहा कि जो मनोविज्ञान है मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक अध्ययन का मतलब होता है यदि व्यवहार में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही तो उसके पहले एक उसके द्वारा व्यवहार किए गए एक सेक्शन पे अध्ययन करते हैं, दूसरे पे, तीसरे पे, ऐसे सीक्वेंस से अध्ययन किया जाता है व्यवहार में, इसे कहते हैं धनात्मक अध्ययन, ठीक है। तो इसके बाद एक स्किनर, एक चीज बताते हैं स्किनर जो था, स्किनर सा कोई भी कोटेशन आ जाए बाल मनोविज्ञान में तो उसमें सबसे पहले हम लोग बता देंगे जो उसमें क्रिया या प्रतिक्रिया शब्द जरूर आता है। तो स्किनर का यहाँ पे जो बताया तो उन्होंने बताया कि मनोविज्ञान प्रतिक्रिया समायोजन एवं व्यवहार का विज्ञान है। ये दो तीन कोटेशन थी, एक मैकड्यूगल। तो मैकड्यूगल सर ने एक अपना कोटेशन दिया, मैकड्यूगल के हिसाब से जो कोटेशन आती है इन्होंने कहा कि व्यवहार एवं आचरण का विज्ञान मनोविज्ञान है। तो ये तीन चार कोटेशन थी। एक कोटेशन और आती है जिसको वुडवर्थ जो है वातावरण विज्ञान के, वातावरण संबंध विज्ञान के जो है मनोविज्ञान में सबसे बड़े जनक माने जाते हैं। तो वुडवर्थ सर ने जो बताया उन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान है मनोविज्ञान उस क्रिया का अध्ययन करता है जो कोई व्यक्ति वातावरण के संपर्क में आने